के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को और भी मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित महानुभावों को, संस्थाओं को और इन सभी दिव्यांगजनों को हृदय से इनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश ईश्वर अवतरण की भूमि है और उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जिस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए दो विश्वविद्यालय सरकार के स्तर पर संचालित हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में संचालित है। दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनी को भी यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है। इसके अलावा सरकार के स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम आज प्रारंभ किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने तमाम अन्य क्षेत्रों में यहां पर दिव्यांग जनों के लिए जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे इसमें पहला जो इसका मुख्य आयोजन होगा वह दिव्यांग जन द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी, दिव्यांग जन हेतु नई तकनीक का प्रदर्शन, दिव्यांग जनों के सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन, स्वावलंबी दिव्यांग जन द्वारा आयोजित फूड कोर्ट, दिव्यांग जन के शैक्षिक पुनर्वास हेतु पुस्तक गैलरी, दिव्यांग जन को सहायक उपकरण का वितरण का कार्यक्रम, किड्स फन जोन, ये सभी यहां पर आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये सभी कार्यक्रम यहां पे निरंतर आगे बढ़ेंगे भी। महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग संस्थान भी संचालित हैं। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है हम प्रयास करते हैं कि दिव्यांग जनों से जुड़े हुए किसी न किसी संस्था का निरीक्षण भी किया जाए, वहां भ्रमण भी किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने गोरखपुर में मूक बधिर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उससे पहले दृष्टिबाधित विद्यालय में भी मैं एक बार निरीक्षण करने के लिए गया था। सरकार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों की कमी को दूर कर रही है, तकनीक के साथ जोड़ करके उनके जीवन का उन्नयन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में सरकार अपने स्तर पर भी और समाज के सहयोग से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हम सबको इस बात को देखना होगा कि अगर कहीं से कमी रह गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति ईश्वर स्वयं कर लेता है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण है, ऋषि अष्टावक्र एक उदाहरण है जिन्होंने उपनिषदों की दिव्य मंत्र हम सबको दिए। मध्यकाल में आप देखते होंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को और उनसे जुड़े हुए छंदों को सूरदास जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया है वह अद्भुत है। विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का नाम सबने सुना है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वयं इसके उदाहरण है। यही नहीं, हम अभी आ रहे थे और जब दिव्यांग जनों के द्वारा रामचरितमानस के ससुर गायन को श्री रविकिशन शुक्ला जी ने सुना तो ये स्वयं भौचक थे। भौचक इसलिए थे कि अब तक उनको ये लगता था कि वही सबसे अच्छे गायक हैं, लेकिन उनसे भी अच्छा गायन दिव्यांग जनों का ससुर रामचरितमानस में था। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उनमें प्रतिभा है, बस उस प्रतिभा को तलाश करके एक मंच देना है, प्रोत्साहन दे करके।
दिव्यांगजन सरकार के भी और समाज के भी इसी प्रोत्साहन के हकदार भी हैं और वे इस बात की अपेक्षा भी करते हैं। और ये दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का यह आयोजन भी 3 दिवसीय आयोजन, जिसमें गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए दिव्यांगजन आएंगे, उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय भी, कॉलेजेस भी, स्कूल भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें प्रतिभाग करके इसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जो हम लोग यहां पर हैं, हम सब इस बारे में मैं आपको इस बात के आज यहां पर जो हम लोगों ने किया, जो प्रदेश के अंदर हमारी स्थिति है, जो आज के लाभार्थी यहां पर थे कार्यक्रम में आने के साथ, मैंने दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मोटराइज ट्राइसाइकिल जो 30 की संख्या में थी, मैनुअल ट्राइसाइकिल 100 की संख्या में थी, स्मार्ट केन यानी छड़ी 4, हियरिंग एड 3, स्टॉल प्रदर्शनी 40, फूड कोर्ट 5, पुस्तक गैलरी 3, चित्रकला प्रदर्शनियां इसमें 52, दिव्यांग प्रतिभागीगण 600 और अन्य प्रतिभागी 500, ये सभी यहां पर आज हम लोगों ने देखे। प्रदेश में वर्तमान में 10,40,000 से अधिक दिव्यांगजन हैं, जिनको हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दे रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में कहूंगा दिव्यांगजन कल्याण विभाग से और प्रशासन से, प्रदेश के सभी प्रशासन से अभियान चला करके कोई भी दिव्यांगजन, उसके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसको मकान उपलब्ध करवाया जाए और अनिवार्य रूप से उनके लिए पेंशन की सुविधा और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई जाए। स्कूल पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांगजन हैं, जिनके पास चलने फिरने में जो समर्थ हैं लेकिन उनके हाथ कार्य कर सकते हैं, उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। हमने इससे पहले हर संसदीय क्षेत्र में 100-100 मोटराइज ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और हमारा प्रयास हो, हम फोकस उन बच्चों को फोकस करें जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें मन है, कार्य करने की एक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाएं। पहले 300 रुपये पेंशन मात्र मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके 1,000 रुपये किया है और अभी कुछ दिनों के बाद इसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुष्ठावस्था पेंशन 11,671 लोगों को प्राप्त हो रही है, इसमें 3,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है और उनके लिए भी मकान अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि उनको हरेक परिवार को एक एक आवास अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना में हम उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 12,53,000 से अधिक ऐसे परिवारों को ये कार्ड भी उपलब्ध करवाया गया है। कॉन्क्लियर इम्प्लांट जिसमें 115 लोग बच्चों को एक सर्जरी हुई है, जिसमें 6,00,000 रुपये प्रत्येक को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और इसमें 21 विशेष विद्यालय दिव्यांगजनों के हमारे पास हैं, जिनमें 1,608 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। 2 विश्वविद्यालय हैं जिनमें लगभग 7,600 छात्र यह अध्ययन कर रहे हैं। 18 बचपन डे केयर सेंटर हैं, 3 ब्रेल प्रेस हैं, 9 रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा DDRC CRC भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं और खेल कूद की सुविधाओं के साथ विशिष्ट स्टेडियम, सरकारी मानसिक मंदिर आश्रय स्थल 3 गोरखपुर, बरेली और मेरठ में प्रदेश के पास मौजूद है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने की कार्रवाई हो रही है और आपकी प्रतिभा को देख करके, आपकी आकांक्षाओं को देख करके सरकार इस दिशा में
पूरा सहयोग करेगी, आपको हर प्रकार का संबल प्रदान करेगी। सरकार में इस कार्य के लिए डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को छुट्टी करते हुए उन्होंने कहा नहीं, विकलांग नहीं, ये दिव्यांग जन है। ईश्वर के द्वारा एक विशिष्ट शक्ति इनको प्रदान की गई, इसलिए दिव्यांग है। उनकी उपेक्षा नहीं, बल्कि उनके लिए सम्मान और स्वावलंबन के रास्ते हमें खोलने पड़ेंगे। अगर उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे तो समाज स्वयं सशक्त होगा, समर्थ होगा, आगे बढ़ेगा, उनकी प्रतिभा का लाभ प्राप्त करेगा। और यह दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी उसका एक उदाहरण है। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार दिव्यांग जनों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, निराश्रित बुजुर्गों के लिए और समाज से जो किन्हीं कारणों से उपेक्षित रह गया है, सरकार उसका संबल बनकर के उसके स्वावलंबन के लिए पूरा सहयोग करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के उपरांत प्रभु श्री रामलला के अपने भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में आगमन के अवसर पर आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 3 दिनों तक चलने वाली यह दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी दिव्यांग जनों के स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। आप सबके प्रति और इस पूरी प्रदर्शनी और इस दिव्य कला के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।